नमस्कार दोस्तों, एटोमी इवनिंग केयर 4 सेट का किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डीप क्लिंजर, स्किन को क्लीन करने के लिए फर्म स्किन, क्लियर स्किन टोन और ग्लोसी स्किन के लिए डीप क्लिंजर यूज़ करेंगे। इसमें जिंक्शन एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट और कैरेट का एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि आपकी ओरिजिनल स्किन को बताएगा कि किस तरीके से आपकी स्किन ओरिजिनल लगती है। उसके बाद फोम क्लिंजर यूज़ करेंगे, इससे मेकअप रिमूवल, स्किन को क्लीन होने में फ़ायदा मिलेगा और हाइड्रेटेड फिनिश प्रोवाइड करेगा। फोम क्लिंजर आपकी स्किन को बेहतर एलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद पिल ऑफ मास्क का यूज़ करेंगे, जो कि रिमूवल ऑफ डेड स्किन, रेडिएट स्किन और सीबम को कंट्रोल करता है। ओके, सो पिल ऑफ मास्क लगाने के बाद आप मशीन का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जो स्किन डेड हो जाती है उसको रिमूवल करने में आसानी होगी, स्किन को बिल्कुल रेडिएंट करेगा और सीबम को कंट्रोल करेगा, और आपकी जो स्किन है के अंदर जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है वो ये रिमूव करता है। ओके, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पिल ऑफ मास्क, जो कि स्किन के ओपन पोर हो गए हैं उसको क्लोज करेगा, एलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और प्योरीफाई करेगा स्किन को। तो इस तरीके से आप लोग स्किन देख सकते हो कि एक ही सीटिंग में कोरियन ग्लास फेशियल से आपकी स्किन को बहुत ही क्लीन महसूस करोगे आप, सिर्फ ओनली वन स्किन के ऊपर। सो एटोमी इवनिंग केयर 4 सेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी पहले से। इट विल लुक ब्राइट, ग्लोसी स्किन, बेबी लाइक स्किन। ओके, सो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।